हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी सुबह के 7 बजे हैं, तो मैं निकल चुका हूँ। आज मैं जा रहा हूँ शूट पे, क्योंकि आज धीरज भाई का एक शूट है, तो उनका भी एक यूट्यूब चैनल बना रहे हूँ, क्योंकि ओपनिंग करी थी उनने, तो उसके लिए वीडियो शूट कर रहे हूँ। तो आज उनका शूट है उनके गाँव में, तो मैं निकल गया हूँ घर से सुबह सुबह। तो चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। तो फाइनली मैंने सामान वामान पैक कर दिया गाड़ी में सारा, अब रोहित भैया का वेट हो रहा है, वो आ रहे हैं, बस आएगी हूँ 5 मिनट में, फिर चलते हैं आगे, वो दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, ध्यान से देखिए शख्स को, कौन है ये ड्रोन को उठ ले? गुड मॉर्निंग, आ गए हैं रोहित भैया। तो चलते हैं, मेरा भी सही है, ब्लॉग बन जाएगा, मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो रोहित भैया आपको ब्लॉगिंग करके दिखा देंगे। चलो फिर। ओके, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या ही कहे, आज दिन की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी बता रखा है 3 दिन तक रेड अलर्ट। तो आज हम जा रहे हैं शूट पे। शूट पे कहाँ जा रहे हैं हम? आज हम जा रहे हैं धीरज भाई के गांव। धीरज भाई के गांव कुजाड़ी में, उनके घर में ही है ना शूट। तो क्योंकि धीरज भाई का ही शूट है आज, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो काफी अच्छे कलाकार है, देखने को मिलेगा आपको उनके चैनल पे। आज फर्स्ट वीडियो शूट करे शायद से, वैसे नुक्कड़ नाटक करते ही हूँ, टीम से जुड़े हुए हैं, बाकी सांस्कृतिक मंचों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कॉलेज में सांस्कृतिक सचिव भी रहे एक बार। तो काफी अच्छे कलाकार है, मतलब हास्य कलाकार कह सकते हैं उनको आप। तो बहुत गजब की एक्टिंग कर, उनकी एक्टिंग है, तो देखने को मिलेगा उनके चैनल पे आपको। अच्छा, हम बाइक लेके नहीं आए, पहले हमारा प्लान था बाइक लेके आने का, क्योंकि बारिश के मौसम में बाइक में निकलना थोड़ा टफ है, क्योंकि एक तो कैमरे वैमरे भीग जाते, फिर थोड़ा टफ रहता है ना, इसलिए कार में सेफ है अपना। चलो फिर, बने रहिए हमारे ब्लॉग में, मिलते हैं आपको आगे, दिखाते रहते हैं आज की एक्टिविटी। पूछो एक प्रश्न ध्रुव है, दुलारी से पूछो है करामात क्या उनकी। सुबह सुबह पहुंच चुके हैं हम कोसी मार्केट, ज्यादातर दुकानें अभी बंद ही हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हैं, एक रोड ऊपर को जाती है रानीखेत, एक नीचे वाली जाती है सोमेश्वर गोसानी होते हुए। हमको तो जाना है ऊपर वाली में, तो हम चले गए ऊपर वाली में, क्योंकि हमारा रूट यही है। अभी हमको इस रूट को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक और टर्न आएगा जिससे हम लेफ्ट होंगे ऊपर कुजाड़ी गांव के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं कटाल वाले रूट पे, ये देख सकते हैं आप, ये कटारमल को, ये है कटारमल का बोर्ड जो ऊपर हो जाती है रोड कटारमल को, और हमें कहीं आगे को। तो हम पहुंच चुके हैं, जो एक रोड जाती है सीधे रानीखेत कटपुरे होते, हम जाएंगे लेफ्ट साइड, जो रोड जाती है कुजाड़ी जोली ग्राम सभा में। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जोली गांव, यहाँ से जोली, ये रही जोली गांव की छोटी सी मार्केट, जहाँ पर रोज डेली यूजेस के सामान मिल जाते होंगे। ये छोटी है टैक्सी स्टैंड यहाँ का, जोली ग्राम का। सामने देख सकते हैं आप, यही है कुजाड़ी गांव, यही है आज हमारा शूट। कुजाड़ी के पीछे जो गांव दिख रहा है वो है हमारा गांव धामस। हाँ, मेन बात तो वह है जहाँ बादल लगे हैं, वो है हमारा गांव धामस। अगर ये रोड बन जाती ना तो हमारा बहुत शॉर्ट होता, अभी ये रोड थोड़ा काम चल रहा है, इसमें बनी नहीं है, आधी है। तो हम एंटर कर चुके हैं कुजाड़ी गांव में, बस यहाँ से कुछ ही दूर में है धीरज भाई का घर, हमको नीचे गांव में जाना होगा शायद। हाँ, ना शोर तो गांव में होगा, नीचे होगा। अच्छा, अभी फिलहाल उनके घर जाने, हमको सब लोग वहीं वेट कर रहे हैं, चाय नाश्ता वहीं है अभी फिलहाल। बरान नीचे है, चाय है, पानी ऊपर ही है, ऊपर ही है, बरान नीचे है, नाश्ता पानी ऊपर है, बस इस मोड़ से दिख जाएगा शायद धीरज भाई का घर। ये रहा घर धीरज भाई का, और धीरज भाई के वहाँ रोड देखिए आप, क्या ही डेंजर हो रही है, बहुत ही खतरनाक। अभी हम गाड़ी पार्क करके नीचे को चले गए लोकेशन पे, क्योंकि वो लोग पहुंच गए वहाँ, तो हमें भी जाना थोड़ा देर होगी लग रहा है, तो वही जाते हैं सबसे मिलाते हैं। कहाँ जाम लगा सुबह सुबह। तो हम पहुंच चुके हैं लोकेशन में, ये रही आज की शूटिंग लोकेशन, ये हैं धीरज के पापा।
बाकी और लोग अंदर हैं, एक शख्स बाहर है, अभी मिलाते हैं इससे। हाँ भाई, बन गया खाना ना? ये पंडित जी ही बने हैं आज, ये जजमान पुरोहित पंडित जी है बने हैं, और हम बने हैं ओहो राजू वहाँ श्राद्ध करने वाले हैं। ठहरो, वो वाले बने हैं। ये हमारे संदीप दा नई लुकमास, देखो तैयार नहीं हुए क्या? क्या हो रहे हो रहे? ये तसलदार आज यहाँ मिला है काम, क्या बोले, काम जहाँ मिल गया। लेंटर है नहीं आज यहाँ, लेंटर है ना ये, देखो ये वाला लेंटर है आज। हाँ लेंटर है, लेबरी लुक में पूरा आए हैं पहले से आज। बाकी देखो सब शूटिंग की तैयारी लोगों ने पहले से कर दी है, ये देखो सामान वामान सब रेडी है शूटिंग। तो यहाँ होगी शूटिंग की तैयारी है। चलो अरे क्या करना है, मतलब मैंने पानी देखना आप। महेंद्र भाई बने हैं निशा के, वो क्या बनी है पैर में गोबर लगता है बच्चा, तू ही जिंदगी जीती है बच्चा। निशा मम्मी बनी है महेंद्र की। क्या कहा आपने, फिर से कहो। हाँ खतरनाक है वो बकरी पीछे हो। बाकी ये देखिए दर्शक लोग पीछे और इधर, ये देखो महेंद्र भाई की मम्मी इनका मेकअप कर रही है। ना खा गई भौकी, देखो साफ करो। मत करो ना, धीरे मत करो। यहाँ शराब की तैयारी हो रही है। शोभन दोनों हाथ हृदय में लगाइए, आप बोलिए मेरे साथ, बोलिए मेरे साथ बोलिए। बाकी देखिए दर्शकों से बिल्कुल चाकच, एक हाथ स्टेडियम भरा हुआ है दर्शकों से, वहाँ से रात की तैयारी चल रही है। मम साजम ना ना ये हाथ ये वाला ऐसे पकड़, इसको खोल देना ना। तुम्हारे खिलौने कहाँ गए, खिलौने ना ऐसे मान लो उसको ऐसे मेरे साथ बोलिए। मम शरादम, मम शरादम किसरो चौकरीशी, चौकरीशी, चौकरीशी हो जा, हम हो जा शराद तो ये बोलिए शराद। अरे मेरा राजा बेटा क्या कर रहा है, ये तो बड़े प्यार से बैठा है। मम्मी 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 मुझे भूख लगी है मम्मी। अरे बेटा बाहर ना बूबू का शराद हो रहा है, बस थोड़ी देर और फिर दे दूंगी आपको खाना। ना ना मुझे अभी खाना है, मुझे भूख लगी है। अच्छा ठीक है, खोलना मत, हाँ इसको खोलना मत, मैं पंडित जी से पूछ के आती हूँ। ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी। बेटा तू कब ठीक होगा, कब आएगी तुझे अकल? मम्मी मैं ठीक तो हूँ, और मुझे अकल भी है, इसको भी है, इसको थोड़ा कम है और मेरे को ज्यादा है। हाँ ले बेटा खा। मम्मी पहले ये खाएगा, इसको अकल कम है ना, इसका पेट भर गया। बुलाओ कभी हवेली पे, बुला के धीरू भाई ने पहली बार बुलाया और ऐसा हाल कर दिया ना भाई को, ये देखो लाल हुआ है। एक्टिंग में कितना करना पड़ता है देखो, ये ना ये बेटा ये
क्या गोर बकरन का भेजा देनी उसी देख काई को तो फाइनली हमारा फर्स्ट जो था वो कंप्लीट हो चुका है, अभी दूसरा और शूट करना है प्रोडक्शन से। तो अभी हम जा रहे हैं दिनेश भाई के घर ऊपर, क्योंकि महेंद्र भाई को मेकअप उतारना है थोड़ा, उनको नहाना है, तो ऊपर जा रहे हैं, उनको ले जा रहा हूँ मैं। तो वहाँ से फिर आते हैं शूटिंग लोकेशन पे, फिर दूसरी वीडियो शूट करनी है भाई, बड़ा टास्क है आज, दो वीडियो शूट होनी है। तो चलो दिखाते हैं हमको आगे। तो आ गए हम धीरज भाई के घर, हाँ धीरज की गाड़ी है, ये है धीरज लोग का मकान पूरा, देखो यहाँ से यहाँ तक का, ये इनकी गाड़ी, हाँ ये नेटवर्क है, बाकी दो बाइक पता नहीं कहाँ गई, वो गई दो नहीं एक दो बाइक, एक बुलेट नहीं किसी और की होगी, एक बुलेट और एक एक वो पल्सर, ये एंटोर्को और एक कार। चलो आओ हाँ पहला ठीक छा। तो हम नीचे जा रहे थे, फिर से हम ऊपर को आ गए क्योंकि ये लोग भी आ गए ऊपर को, क्योंकि अभी लंच टाइम है, बाकी थोड़ा संदीप तो बनाएंगे व्लॉग, अच्छा बनाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप सैंडी और ये गांव का नाम है उजियाड़ी, और कुजियाड़ी गांव में पहुंच चुके हैं, एक शूट खत्म हो चुका है और दूसरे शूट के लिए अभी हम तैयार होंगे, लेकिन पहले हम कहते हैं पेट पूजा, पेट पूजा काम है दूजा। देखिए अब हम जा रहे हैं खाने की ओर, और ये हमारे दोस्त लोग ये आ रहे हैं, हमारे लल्ला सब लोग, और अनिल भाई कुछ कहना चाहेंगे, हम आपको बता दें कि आज खाने में हमारे लिए भटकी चुड़कानी, चावल, रायता, अभी अभी खाने की याद आई और खुशबू आ गई है, तो हम सीधे जाते हैं धीरू भाई के घर और वहीं आपसे भी मिलते हैं। जाओ निशा घास काट के आओ, असोच लगा आजकल घूम रहे हो तुम, मेकअप वेकअप करके बताओ, गलत बात है, आओ बैठो बैठो बैठो, आओ आओ आओ, आओ। बैठो बैठो आओ, सुनो ये धीरज भाई ये इनका रूम है, ये देखो इनको कितने अवार्ड मिले, देखो धीरज भैया को, ये देखो एक आध मेरे को दे दिया धीरज जी, एक आध मेरे को दे दे इनको, सब आपके लिए भाई, आप हमारे दिल में बसते हो, इनके इंस्ट्रूमेंट है दो जिसमें, बाकी इंस्ट्रूमेंट पता नहीं है, एक जान दो जिसमें। तो आ चुका है हमारे लिए खाना, और ये खिले गया क्या है, कह रहे थे भटके जो भी है, लेकिन पहले जो भी है यार रख दो, देखी जाएगी जो भी है, को डायलॉग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं इनको, खाना खा के मोहन चला जाता है, चले गए अब पता नहीं कब आओगे तुम।